कुछ नौजवान अपनी छत पे खड़ा होकर के मोदी मोदी कह रहे थे। हम बिल्कुल चिंतित नहीं हैं, हम स्वागत करते हैं उनका, वो कहें, क्योंकि हम जानते हैं वह दिन दूर नहीं है कि वो मोदी मोदी नहीं महंगाई महंगाई चिल्लाएंगे। हम लोग बिल्कुल चिंतित नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि उनका जो नारा है ना, मोदी है तो मुमकिन है, ये असली बात नहीं है। असली बात ये है कि मोदी है तो महंगाई है, ये बात वो बोलेंगे। मोदी मोदी की जगह जो है वो महंगाई महंगाई चिल्लाएंगे, हमको इस बात का भरोसा है। और देश अपने सवालों को बहुत देर तक भुला के नहीं रख सकता है, और देश का सवाल रोजी रोटी का सवाल है, कपड़ा मकान का सवाल है, उन सवालों को लेकर के हम चल रहे हैं। और हमारा यह संकल्प है कि हर हाल में हम देश को जोड़ करके रखेंगे, किसी भी स्थिति में जो है देश को बंटने नहीं देंगे। एग्जिट पोल जो है वो एक बहुत बड़ा धोखा है, और इस यात्रा का उद्देश्य जो है वो धोखाधड़ी करना नहीं है लोगों से, इसीलिए इसका कोई एग्जिट पोल नहीं आएगा। मैं बार बार कहता हूँ, इस यात्रा का उद्देश्य इलेक्शन नहीं, इमोशन है। हम इमोशन को जोड़ने के लिए चले हैं, इलेक्शन अपने आप, उसका अगर प्रोसेस ठीक रहेगा, उसकी प्रक्रियाएं ठीक रहेगी, संस्थाएं ठीक से काम करती रहेगी, तो इलेक्टोरल रिजल्ट भी उसके अपने आप आ जाएंगे। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि जो है बहुमत बीजेपी का नहीं आएगा, और ये भी नहीं कहा कि बहुमत हमारा आ रहा है। हमने गुजरात चुनाव के अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा की भावना थी, वो कैसे गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई थी, गुजरात के लोगों की भावना भारत जोड़ो यात्रा से कैसे जुड़ी हुई थी, ये बताया। और दूसरी बात कि चुनाव के दौरान हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बनाया जा रहा है, और गुजरात के आम लोगों के सवाल को चुनावी चर्चा से गायब कर दिया गया है। हमने कहा कि 22 बार प्रश्न पत्र लीक हुए, और मोरबी में जो है पुल गिरा, घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दिया गया, चौकीदार को जेल में डाल दिया गया और चोर को भगा दिया गया, ये सवाल राजनीतिक विमर्श से गायब कर दिए गए, हमने ये बात कही। अगर आप जीतने को ही मानते हैं कि हर चीज का आधार है, और कोई अगर चुनाव जीत गया है तो वह पूरी तरह से सही है, तो मैं समझता हूँ कि ये सही और गलत का देखने का सही नज़रिया नहीं है। कई बार गलत करते हुए भी लोग जीत जाते हैं, लेकिन अंततः जो है ना सही पे आना पड़ता है। और चुनाव के अंक गणितीय परिणाम क्या होंगे मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो भावनात्मक वस्तु स्थिति है और जो संवैधानिक स्थिति है मैं उस पर चर्चा कर रहा था। एग्जिट पोल की एग्जिट होने का समय आ चुका है। 2018 के मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बारे में एग्जिट पोल क्या कहे थे। तो ये एग्जिट पोल के आधार पर जो आप सवाल उठा रहे हैं ये उचित नहीं है। ये एग्जिट पोल है, और हम जानते हैं कैसे ये किए जाते हैं, किनके प्रभाव से किए जाते हैं और क्यों कराया जाता है। तो एग्जिट पोल के आधार पर यह कहना कि बीजेपी को भारी बहुमत मिल रही है, मैं समझता हूँ, मैं इन एग्जिट पोल पर कुछ विश्वास नहीं रखता।